टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में आना लगभग तय हो गया है। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात के बाद सीटों की संख्या को लेकर डील के सील होने का अनुमान है। लोकसभा के साथ ही आंध्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीट जीतने वाली जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 50% वोट मिले थे, जबकि 3 सीट जीतने वाली टीडीपी को 40% वोट, जनसेना को करीब 6% और कांग्रेस बीजेपी को महज 1-1% वोट ही मिले थे। पांच साल तक विपक्ष में रहने के बाद अब टीडीपी ने बीजेपी की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बीजेपी को भी दक्षिण भारत में अपना आधार मजबूत करने के लिए दमदार दोस्त की दरकार। चूंकि नायडू एनडीए के संयोजक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए भरोसेमंद साथी साबित हो सकते हैं। बीजेपी के लिए इस बार दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को पार पाने के लिए बीजेपी एक एक ईंट जोड़कर गठबंधन की बड़ी दीवार बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस से समझौता किया है। आंध्र में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पहले से एनडीए का हिस्सा है। केरल कामराज कांग्रेस और बीडीजेएस से गठबंधन है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, ओपीएस, तमिल मनीला कांग्रेस, मुपनार और पुथिया तमलिंगम एनडीए का हिस्सा है। पांडिचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस भी एनडीए में। ये आज की तस्वीरें हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में तमिलनाडु के पूर्व सांसद और विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्ना मलाई मौजूद थे। बीजेपी दक्षिण के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर काम कर रही है और इसके तहत 3 प्लान पर काम शुरू किया है। पहला, मोदी के चेहरे को आगे करना। दूसरा, सहयोगियों का कुनबा बड़ा करना। तीसरा, हिंदुत्व की लहर को उभारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने दक्षिण भारत में ताबड़तोड़ दौरे किए थे। अलग अलग कार्यक्रमों को जोड़ लें तो पीएम करीब हफ्ते भर तक दक्षिण में ही थे, क्योंकि यहाँ बीजेपी का आधार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन बिना दक्षिण का किला जीते बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 प्लस के अपने सपने को साकार नहीं कर सकते। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 31 सीटें मिली थी। कांग्रेस गठबंधन को तब 65 और अन्य को 36 सीटों पर जीत मिली।